मेरा ख्याल जी यह समा है जो पत्रकारों डरे तो बिना जे अज पत्रकार भाईचारा डर गया तो तुम समझ लेना कि लोकतंत्र डर गया। नहीं दरबारी मीडिया का ही सारा यह रोल आ जिहड़ा एक विलन के तौर के उत्ते किसानों पेश किया जा रहा कभी अतवादी कह देंदे कभी खालिस्तानी कह देंदे कभी कुछ कह देंदे आ। दिल्ली दीआं सरहद्दां ते पिछले 65 दिनां तों किसान खेती कानूनां दे विरोध विच निरंतर अंदोलन कर रहे ने। शनिवार नूं दिल्ली पुलिस ने इस अंदोलन नूं कवर करन वाले एक पत्रकार मनदीप पुरिया नूं हिरासत विच लै लिया। पुलिस ने उस उत्ते सिंघू बॉर्डर ते दिल्ली पुलिस दे SHO नाल गलत व्यवहार करन दा दोष लगाया। तुहानूं दस दईए कि मनदीप पुनिया दो मीडिया अदारिया लई फ्रीलांस काम करदे ने। पुलिस अनुसार जदों मनदीप पुनिया बंद सड़क अते बैरीकेड वल जा रहे सन तां इह घटना वापरी। इस घटना दा इक कथित वीडियो भी सामने आया जो कि काफी वायरल हो रहा है। उस वीडियो विच वेख्या जा सकदा है कि किवें पुलिस धक्के नाल पत्रकार मनदीप पुनिया नूं खिंच के लैके जा रही है। वीडियो विच वेख्या जा सकदा है कि वड्डी गिनती विच पुलिस मुलाजम पुनिया नूं डंडे दे जोर ते लैके जा रहे ने। पुलिस का कहना है कि धर्मिंदर सिंह नाम के एक होर पत्रकार नूं भी कुछ समय लिए फड़िया गया सी पर जदों उसने अपना प्रेस ID कार्ड विखाया तो असी उसनूं जान दिता। हिरासत विच लए जाण तों कई घंटे पहला पत्रकार पुनिया ने शुक्रवार नूं सिंघू बॉर्डर ते होई हिंसा के मामले विच फेसबुक ते एक लाइव वीडियो साझा किया सी। उस वीडियो विच पत्रकार मनदीप पुनिया ने जानकारी दित्ती सी कि स्थानक लोग होण दा दावा करन वाली भीड़ ने किवें किसानी अंदोलन समय पुलिस की हाजिरी विच पत्थर सुट्टे। पुनिया नूं हिरासत विच लए जाण तों बाद कई किसान नेतावां अते पत्रकार उन्हां दी रिहाई लई आवाज़ चुक रहे ने। इस दे चलदिआं पटियाला दे मीडिया ने मनदीप पुनिया दे हक विच आवाज़ बुलंद कीती। सीनियर पत्रकार बलतेज पन्नू ने कहा कि असीं डरन वाले नहीं आ, मीडिया नूं मर्यादा च रह के काम करन दित्ता जावे। उन्हां कहा कि मनदीप पुनिया नूं जल्द रिहा कीता जावे अते नोटिस भेज के सानूं डराउणा बंद कीता जावे। आओ सुनदिआं की कहना है पटियाला दे सीनियर पत्रकार बलतेज पन्नू दा। सत श्री अकाल दोस्तों, तुसीं देख रहे हो चढ़ती कला TV ते मैं गुरमुख सिंह रुपाणा। इस समय मेरे नाल मौजूद ने साढ़े सीनियर पत्रकार जी बलतेज पन्नू जी जो NIA नोटिस का सामना भी कर रहे हैं। तो अज उन्होंने पटियाला दे विच पत्रकारां दे हक विच प्रोटेस्ट शुरू किया है। साढ़े एक पत्रकार जो दिल्ली सिंघू बार्डर तो गिरफ्तार किए गए हैं मनदीप पुनिया, उन्होंने हक में आए हैं, उन्होंने गलबात करते हैं। पन्नू साहब थोड़ा स्वागत है। बहुत मेहरबानी जी, धन्यवाद। पन्नू साहब जिहड़ा ये मामला हैगा अपने मनदीप पुनिया वाला है की है? मनदीप पुनिया नूं सिर्फ ये कह के गिरफ्तार किया गया सिंघू बॉर्डर तो कि वह पुलिस के कामों के दखल दे रहा, जदों के वीडियो शो कर रही ने कि 20 पुलिस वाले जिहड़े आनू धू के उतों सरहद तो ले जा रहे हैं और वो कुटमार जी कर रहे हैं। 20 बंदे जिहड़े आ जिहड़ा दखल दे रहे उदे काम च, जां एक बंदा 20 दखल दे रहा? एक होर उत्थे पत्रकार बहुत सीगे, बहुत पत्रकार भाईचारा सी, पर सिर्फ कल्ले मनदीप नूं ही निशाना क्यों बनाया गया? क्योंकि एक रात पहला उन्हें ऑनलाइन आ के सारा कुछ दस दिता सीगा भी जिन्हां नूं लोकल कहा जा रहा किसानों के उत्ते हमला किया वो लोकल नहीं सीगे, वह कौन सीगे उहदी पूरी डिटेल उन्हें दसती जिहदे करके उन्हूं निशाना बनाया गया। एक पन्नू साहब होर, तुसीं NIA दे नोटिस दा सामना कर रहे हो, तुसीं की देखदे हो जिवें नोटिस आ रहा पत्रकारां नूं, तुहानूं वी नोटिस आया कि है की है इहदे पिछे मनसा की है सरकार दी? मनसा चुप कराउण दी आ कि जिहड़ी आ इहदी कवरेज ना किसे तरीके नाल होवे, डरा लिया जावे। मेरा ख्याल जी इह उह समां है जदों पत्रकारां नूं डरे तो बिना जे अज पत्रकार भाईचारा डर गया तो तुसीं समझ लेना कि लोकतंत्र डर गया। तुसीं बहुत देर तो उत्थे सिंघू बार्डर ते कवरेज कर रहे हो किसानां दी, किसानां दे उपर जे कोई सिंघू बार्डर ते कवरेज हो रही है उत्ते गोदी मीडिया जिहनूं गोदी मीडिया कहा जा रहा उहदी किन्नी क भूमिका हैगी उस कोल? नहीं दरबारी मीडिया का ही सारा यह रोल आ जिहड़ा एक विलन के तौर के उत्ते किसानों पेश किया जा रहा, कभी अतवादी कह देंदे कभी खालिस्तानी कह देंदे कभी कुछ कह देंदे आ। इन्हां तों वड्डा जिहड़ा उह देश भगत कौन है किसानों तो, जिन्हां ने 1947 तो बाद वंड तो बाद मुल्क नूं पैरां सिर कीता अनाज के मामले दिते, अज जदों लोड़ नहीं रही तो उन्हां नूं अतवादी दस्सिया जा रहा, यह सारा कुछ दरबारी मीडिया का ही किया होया। वह तो कंट्रोल कर लिया, दूजा कंट्रोल नहीं हो रहा जिहड़ा वैब मीडिया है, इस करके ये सारे नोटिस भी ते केस भी पाए जा रहे हैं। तुहानूं नोटिस पहला आया तुसीं पेश, पहली गल तुसीं तुहाडे वकील साहब पेश होए, हुण दुबारा नोटिस आया तुहानूं कोई डेट मिली दुबारा? नहीं मेरे वकील साहब अजे एक बार पेश हो आए, जदों दूसरी डेट मिलेगी मैं अपने वकीलों के नाल जाऊँगा, सामना करांगे जी, लड़ांगे अखीरले साह तक लड़ांगे। इस सन बलतेज सिंह पन्नू जिन्होंने कि असं NIA नोट का सामना करेंगे अखीर तक लड़ांगे, चाहे वह सरकार हो कोई भी लोकतंत्र पिछे नहीं हटांगे। चढ़ती कला TV पटियाला तो गुरमुख सिंह रुपाणा की रिपोर्ट।